हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नया वीडियो में। खाले एक्सपेजर चैनल में आपका स्वागत है। इस आपका सामने देख पा रहे हो यहाँ पे आपको EHD एडवेंचर मेम्बो ब्लैक कलर में देखने को मिल जा रहा है आपको। यह गाड़ी का सामने का इंडिकेटर का बल्ब प्यारा सा आपको देखने को मिल जाता है LED हेडलाइट के साथ। और इस गाड़ी की CC आपको मिलता है 334 CC का है ये गाड़ी। 30 BHP 30 NM टॉर्क सीट हाइट है इस गाड़ी का 815 है इसका सीट हाइट। ग्राउंड क्लियरेंस है 220 mm। और आप इस गाड़ी का वेट है आपका 198 kg। और ये देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको टायर का साइज देखने को कुछ मिल जा रहा है C54S देखने को मिल जा रहा है टायर का साइज, ये पूरा देख लीजिए। और यहाँ पे आपको स्पोक व्हील के साथ ये अच्छा टायर गाड़ी देखने को मिल जाता है। ये है गाड़ी का कुछ 12 चैनल ABS का डिज़ाइन, ये आप देख पा रहे हो डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है। और हैवी भी है डिस्प्ले काफ़ी। यहाँ पे आपको एक रेडियम देखने को मिल जाता है सॉकेट चॉपर में। यहाँ पे बाइबर लिखा देखने को मिल जाता है आपको डीज का साथ। और ये देख पा रहे हो गाड़ी का कुछ ये सस्पेंशन देखने को मिल जा रहा है यहाँ पे आपको। और यह गाड़ी का मेन गेट देख पा रहे हो कुछ डिज़ाइन देख लीजिए ये। और ये है कुछ आपको लुकिंग ग्लास देखने को मिल जा रहा है, लुकिंग ग्लास का डिज़ाइन। और ये देख पा रहे हो यहाँ पे आपको मीटर पूरी तरीके से मतलब डिजिटल देखने को मिल जाता है। और ये की लगा के रखा हुआ है, अभी HD लिखा हुआ है की पे देख पा रहा हूँ मैं। फिर आपको पूरा ऑन करके पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूँ। और अभी चलते हैं रेडिएटर से शुरू करते हैं। ये देख पा रहे हो कुछ यहाँ पे ये लिखा हुआ देखने को मिलता है आपको। और ये देख पा रहे हो गाड़ी का रेडिएटर काफ़ी बड़ा है मतलब देखने में आपको मिल जा रहा है। यहाँ पे आपको नीचे से हिप गार्ड देखने को मिल जा रहा है, काफ़ी हैवी है ये भी। और ये देख पा रहे हो आप यहाँ पे नीचे एक कुछ यहाँ पे दिया गया है। और ये देख पा रहे हो ये आपको साइलेंसर पे भी आपको गार्ड देखने को मिल जाता है। ये है कुछ साइलेंसर गाड़ी का, यहाँ पे आपको गार्ड देखने को मिल जा रहा है पूरा बढ़िया तरीके से ताकि आपका सेफ्टी बने रहे। और ये देख पा रहे हो कुछ ब्रेक पैड देख पा रहे हो आप यहाँ पे, आपको ग्रिप बने रहे इसीलिए डिज़ाइन किस हिसाब से दिया गया है। और ये देख लीजिए गाड़ी के इंजन का कुछ डिज़ाइन यहाँ पे EHD लिखा हुआ देखने को मिल जाता है आपको गाड़ी के इंजन में। और ये है कुछ इंजन का फिनिश देख पा रहे हो आप किस हिसाब से देखने को आपको मिल रहा है। और यहाँ पे है गाड़ी के कार्बोरेटर। और ये देख पा रहे हो कुछ अंदर का भी मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये देख पा रहे हो आपका पूरा फिनिश इंजन का। और ये देख पा रहे हो पीछे का जो पैर रखने का हैंडल है। और यहाँ पे आपको एडवेंचर लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। और ये देख पा रहे हो कुछ आप नीचे का सस्पेंशन पीछे का। और ये देख पा रहे हो गाड़ी का आपका पेनियर का जो आपको यहाँ पे हैंडल देखने को मिल जाता है, ये गाड़ी का साथ फिटेड होके ही आता है। ये देख पा रहे हो पीछे आप टॉप बॉक्स लगाने के लिए भी आपको दिया जाता है कंपनी की तरफ से। और ये है पीछे का कुछ इंडिकेटर देखने को प्यारा सा आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बैकलाइट का नेचर एक रेडियम भी देखने को मिल जा रहा है, ये बैकलाइट भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी। और ये है पीछे का कुछ नज़ारा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है पीछे में भी डिस्क ब्रेक कितना हैवी है। और इसका साथ है BSB देख लीजिए। और यह है कुछ पीछे का डिस्क का डिज़ाइन। और यह है गाड़ी का कुछ पीछे का टायर, सीट का टायर देखने को मिल जाता है आपको। यह है गाड़ी का टायर का कुछ साइज पीछे का, और ये देख पा रहे हो आप। और अभी यहाँ पे हैंडल पे आपको कंट्रोल वगैरह का बटन देख लीजिए किस हिसाब से यहाँ पे आपको कुछ फंक्शन देखने को मिल जाता है। ये इंडिकेटर का बटन है, ये हॉर्न का है। और यह है पकड़ने के लिए जो हैंडल है काफ़ी कम्फर्ट है देखने में, पकड़ने से भी आपको कम्फर्ट महसूस होगा। ये देख पा रहे हो ये चार्जिंग पॉइंट दिया जा रहा है यहाँ पे आपको एक, यह है सेल्फ बटन। और ये 4 इंडिकेटर का बटन है। और ये इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ये कुछ आपको मैं देखने को मिल जाता है इसमें। और अभी मैं आपको मीटर को ऑन करके दिखा देता हूँ मीटर का कुछ नज़ारा। ये देख पा रहे हो कितना बढ़िया हिसाब से LED लाइट जलते हुए यहाँ पे आपको मीटर देखने को मिल जाता है। ये देख पा रहे हो एक साइड में यहाँ पे आपको EHD लिखा हुआ देखने को मिल जाता है मीटर में। और ये देख पा रहे हो मीटर का कुछ लुक्स, इसमें आपको ब्लूटूथ कंट्रोल से लेकर सब कुछ दिया जाता है। और यह है कुछ मीटर का नज़ारा, मैं फिर से ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कैसे ऑन होता है मीटर। ये देख पा रहे हो कुछ क्लासी टाइप से स्टार्ट होता है मीटर। और सीट की कंफर्ट की बात करें तो ये देख पा रहे हो काफ़ी सॉफ्ट आपको यहाँ पे सीट देखने को मिल जाता है, पिलियन सीट भी। और आपको जो राइडर है राइडर सीट भी काफ़ी मतलब कम्फर्ट हिसाब से
देखने को मिल जाता है। यह है टैंक, टैंक पे यहाँ पे आपको कुछ इस्तेमाल किया गया है, देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको काफ़ी सुंदर हिसाब से टैंक का डिज़ाइन और कलर रखा गया है। ये देख पा रहे हो कुछ ओवरव्यू टैंक का, गाड़ी का ये देख पा रहे हो साइड से किस हिसाब से देखने को लगता है। और यहाँ पे अभी आपको एक प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, ये जो आपको क्रोम इसका इस्तेमाल किया गया है पेट्रोल टैंक का इस ढक्कन पे, काफ़ी बढ़िया लगता है। और ये गाड़ी को स्टार्ट करते हुए गाड़ी का सामने आपने गाड़ी का पूरा साउंड सुन लिया होगा। और ये देख पा रहे पीछे का आपको ब्रेक लाइट जलते हुए किस हिसाब से देखने को मिलता है गाड़ी। और ये देख पा रहे सामने का आपको मैं लाइट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको चाबी ऑन करते हैं, यहाँ पे आपको नीचे एक एलईडी बल्ब जलता रहता है। और ये 4 इंडिकेटर का साथ कुछ लुक है गाड़ी का, सामने का काफ़ी प्यारा हिसाब से जलता रहता है ये इंडिकेटर। इसका डिज़ाइन भी काफ़ी सुंदर देखने को मिल जाता है आपको। ये देख पा रहे हो गाड़ी इंडिकेटर का साथ किस हिसाब से देखने में लगता है, पूरा आपको मैं फील जिस हिसाब से आपको हो सके इस हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ। ये देख पा रहे हो पीछे का इंडिकेट करते हुए किस हिसाब से देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो नंबर प्लेट के ऊपर का भी लाइट, यहाँ पे आपको एलईडी देखने को मिल जाता है। ये देख पा रहे हो